अब आ गया साउंड, साउंड गया, साउंड आ गया, एक बार कंफर्म करके बताइए, हमको पता नहीं चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये हम बोल रहे थे कि बहुत दिन लाइव नहीं आ पा रहे थे, कुछ कारण से फंस गए थे, और हम आपको बहुत सारा टॉपिक पढ़ा चुके थे पहले से ही, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर किन्हीं को डाउट हो तो आप मेरे मेरा नंबर याद होगा, आप मेरे नंबर पर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। और फिलहाल अभी मैं रेगुलर लाइव रहने का कोशिश करूंगा, आप मेरा टाइम नोट कर लें कि मैं हमेशा उस टाइम पर जरूर लाइव रहूंगा। सभी को नमस्कार और प्रणाम। आप टाइम लिख लें, आपका गुरुवार थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपका टाइम रहेगा क्लास का। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 से 4। और फिलहाल हम इस टाइम में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए, टॉपिक भी लिखा हुआ है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। वैसे बच्चे जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, पाठक सर का लेक्चर देख लीजिएगा आप, हम आशा करेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है, और नहीं आता है तो आप जरूर पाठक सर वाला लेक्चर देख लें। हम आप आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, और इसमें बहुत सारा भी टॉपिक है, तो आप कंटिन्यूस मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी लगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। सबको आवाज जा रहा है और सब लोग लाइव आ गए, जल्दी जल्दी बोलिए, आवाज जा रहा है, कमेंट करके बताइए, नहीं तो हमको पता नहीं चल पाएगा। अंशु जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, टॉपिक था इंटीग्रेशन, और वो भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, हम कुछ बात बोलना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन आता है और आप जानते हैं कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, डी साइन एक्स बाय डी एक्स का जो वैल्यू होता है वो कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होता है वो कॉस एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक परिभाषा है, जो सबसे आसान परिभाषा जिसको आप बोल सकते हैं, कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब, यदि हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए और कॉस एक्स आया, तो इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉस एक्स को साइन एक्स बना देगा, और हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, एस सिंबल से लिखते हैं, लेकिन वो एस एस नहीं होता, थोड़ा लंबा वाला सिंबल, हम इसको ऐसे लिखते हैं। यानी आप बोल सकते हैं, यहां साइन है डी साइन एक्स बटा डी एक्स का मान कॉस एक्स है, तो डी कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का जो मान हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यदि मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर बी होता है, मान लीजिए कि ए का जो डिफरेंशिएशन है वो बी होता है, तो अभी हम तुरंत परिभाषा बोले कि इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है, किसका, तो डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन अगर ए को बी बना रहा है, तो इंटीग्रेशन बी को
ए बना देगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जेड होता है, मान लीजिए फिलहाल क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन वाई को जेड बना रहा है, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जेड का जो इंटीग्रेशन है वो वाई हो जाएगा। तो आपको बस यहां एक प्रोसेस रटना है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, माने डिफरेंशिएशन अगर ए को बी बनाया तो इंटीग्रेशन उसका जस्ट उल्टा काम करता है, वो बी को ए बना देगा। अगर हम आपको पता है साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इंटीग्रेशन का मतलब सीख गए, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो फिर से एक बार लास्ट बार बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा काम करता है। बात समझ में आ गया सबको? चलिए कुछ कुछ फॉर्मूला आप लिखते हैं, सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे जैसे आप डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत जोड़ का नियम जानते थे, रूल, आपको यहां सब चीज सिखाया जाएगा। बस आप क्या करिएगा कि आप एक्सरसाइज निकालिएगा और उसको बनाइएगा, बनाइएगा, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए फॉर्मूला आपके सामने हम लिख रहे हैं। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला वन की इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो वैल्यू होता है x पर पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस c। अब c क्या होता है हम आपको समझाते हैं थोड़ी देर में, बस अभी क्या करना है आपको इसको याद करना है। x पर पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x पर पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस c, जहां n का वैल्यू नहीं होना चाहिए माइनस वन, एन माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर एन माइनस वन हो जाएगा तो देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहां बोल दिया गया कि एन का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई पर पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई पर पावर एक्स प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका जो होता है ए पर पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। चौथा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे एक्स, यानी वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन। तो याद होगा आपको लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वन बटे एक्स आता है, यानी वन बटे एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका लॉग एक्स आ जाएगा, और यहां हम लोग लॉग मॉड एक्स लिखते हैं प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका, तो चलिए जल्दी जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए चारों फॉर्मूला का, फिर आगे हम लोग लिखते हैं। हाँ, एक कमेंट आ रहा है कि सर इसमें सी क्या होता है, तो हम आपको थोड़े देर में समझाते हैं कि सी का बात किताब में क्यों लिखा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला नंबर 5। अब हम अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री में घुसते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है आपका साइन एक्स प्लस सी। सी एक जस्ट कांस्टेंट है, थोड़े देर में इसका मतलब समझाते हैं। छठा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। सातवां फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला कि किसको डिफरेंशिएट करते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स आता है। जल्दी कमेंट के करके बताइए किसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि वो सेक स्क्वायर एक्स आता है। याद होगा आपको कि sec square x जो डिफरेंशिएशन है वो tan x का है। tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec square x होता है। तो आप यहां से इंटीग्रेशन ऑफ sec square x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो यहां हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। sec square x का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका tan x होता है और यहां हम लोग c लिखते हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec square x, तो sec square x का आपका इंटीग्रेशन tan x होता है। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x dx जो आपका हो गया माइनस cot x हो जाता है प्लस हम लोग एक कांस्टेंट c लिखते हैं। 9 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका sec x होता है प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, 10 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cot x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है आपका माइनस cos x होता है प्लस हम लोग एक कांस्टेंट लिख दिए सी। तो जल्दी जल्दी आप इसको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सबका हो गया, जल्दी जल्दी बताइए। माई जी हम लोग अभी इन्वर्स नहीं सॉरी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। आपका आज फर्स्ट लेक्चर है इंटीग्रेशन का। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स होता है। चलिए अगला फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है आपका वो साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी लिखिए। चूंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स होता है। अगला फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो याद होगा आपको जो पढ़े होंगे कि जो tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका
टैन इनवर्स एक्स होता है प्लस हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी एक्स बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका जो होता है सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस हम लोग एक्स ही लिखते हैं। तो चलिए ये तीन फॉर्मूला आप फिर से नोट कर लीजिए और आप देखे होंगे बुक में लिखा हुआ है, आप एक बार बुक से भी टैली कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। राजकिशोर जी आप बोल रहे हैं कि dx को 1 क्यों मानते हैं? राजकिशोर जी हम इंटीग्रेट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर्मूला आपका x के रिस्पेक्ट में था तो इंटीग्रेशन भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x के रिस्पेक्ट में होता है और वो आपका cos x होता है। चलिए सब लोग नोट डाउन कर लिए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। अब बात आता है आपको सी का, सी हम लोग हर फॉर्मूला में सी क्यों लिख रहे हैं, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। आपको याद होगा, मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया गया साइन एक्स प्लस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लीजिए आपके पास एक सवाल है कि साइन एक्स प्लस थ्री को डिफरेंशिएट करिए और वैल्यू कितना आएगा, तो आपको याद होगा डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डी बाय डी एक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें फिर रूल लगाते हैं कि हम जानते हैं कि साइन एक्स को डी साइन एक्स बटा डी एक्स प्लस डी थ्री बाय डी एक्स, और आप जानते हैं डी साइन एक्स बाय डी एक्स का जो वैल्यू होता है ये आपका कॉस एक्स, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका जीरो, यानी डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा आपका कॉस एक्स। अब हमको क्या करना है कि इस cos x को इंटीग्रेट करना है और sin x प्लस थ्री लाना है, तो हम आपको अभी बात बोले कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है और इंटीग्रेशन को लिखने के लिए हम इस सिंबल और dx का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि dx d by dx करने का मतलब यह हुआ डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, तो इस सिंबल का मतलब होता है dx लिखने का मतलब होता है इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अब आपका सवाल देख लीजिए, अभी हम आपको सिखाए कि sin x plus 3 को डिफरेंशिएट किए तो cos x आया, तो हम यहां हम अगर यहां cos x लिखे तो इसको इंटीग्रेट करके हमको sin x plus 3 आना चाहिए, क्योंकि अभी हम तुरंत बोले कि sin x का जो डिफरेंशिएशन है sin x plus 3 का cos x आ रहा है, cos x plus 3 का भी sin है, cos x का इंटीग्रेशन sin x plus 3 आना चाहिए, क्योंकि अभी परिभाषा बोले कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है, तो यहां आप करिएगा कि cos x का तो sin x हो गया, अब 3 कहां से लिखे, हमको थोड़ी पता था कि 3 को यहां डिफरेंशिएट करके 0 किया होगा, हो सकता है आप 4 रहे, हो सकता है यहाँ 5 रहे, हो सकता है यहाँ कांस्टेंट में 7 रहे, हो सकता है 100 रहे, हो सकता है -9 रहे। अब बताइए अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x plus 3 ही लिखेंगे, जरूरी है?
यहां तो हमको दिख रहा था कि साइन एक्स प्लस थ्री था और डिफ्रेंशिएट किए तो साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशन जीरो तो आंसर मेरा कॉस एक्स आ गया। फिर से हम सोचे कि इंटीग्रेशन तो इनवर्स प्रोसेस है, यानी कॉस एक्स को इंटीग्रेट किए। अब जब इंटीग्रेट किए तो कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिए। फिर सोचे क्या यहाँ कुछ को तो इस सवाल के अनुसार डिफ्रेंशिएट किया कि यहाँ थ्री था तो यहाँ भी थ्री आना चाहिए। तो बात आता है कि हमको नहीं पता यहाँ कि किस कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करके जीरो लाए थे, नहीं पता है कि किस कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करके जीरो लाए थे, इसीलिए हमको यहाँ क्या करना पड़ रहा है कि इंटीग्रेट करते समय हमको पता नहीं चल रहा कि यहाँ कौन सा कांस्टेंट था, पांच था कि सात था कि नौ था, इसीलिए हम लोग जो मन करे एक सी लिख देते हैं, कांस्टेंट सी लिख देते हैं। आप चाहे तो के लिख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो सब लोग जनरली सी का यूज करता है तो हम लोग बोल देते हैं साइन एक्स प्लस सी, सब फॉर्मूला में सी लिख दिए ताकि आप समझे कि कोई कांस्टेंट रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करके जीरो हुआ होगा, यानी जीरो को सी लिख देते हैं, इंटीग्रेट करते समय सी लिख देते हैं। अब सी का वैल्यू कोई बोलेगा थ्री तो आप समझ लीजिएगा थ्री है, कोई बोलेगा वहां फोर था डिफरेंशिएट करने के बाद, फोर था जिसको डिफरेंशिएट किए जीरो आया, तो आप सी का वैल्यू फोर भी हो सकता है। अब हमको पता नहीं है क्योंकि हमको बस इतना ही देगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो देगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते समय जब आंसर आ जाए तो हम लोग हर उसमें एक सी को जोड़ देंगे। तो सबको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताइए क्यों बार बार सी लिखा जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए सी क्यों बार बार लिखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया करण जी, बहुत बढ़िया, आप सब लोग रिप्लाई करिए ताकि हम समझे कि आप समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है तो हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके बुक में क्वेश्चन है एक्स पर पावर सिक्स डी एक्स, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहा तो हम आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाते हैं। एक्स पर पावर एन डी एक्स, इसका जो वैल्यू होता है एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी प्लस सी। अब क्या करना है कि जो भी सवाल हो, पहली बार आपको मेरा बात ध्यान से सुनना, अभी सुनना है, अभी लिखना कुछ नहीं है, नोट डाउन नहीं करना है कि आप फार्मूला जानते हैं एक्स पर पावर एन डी एक्स को जो लिखते हैं एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस कोई कांस्टेंट। अब क्या करना है, यहाँ एक्स क्या है एक वेरिएबल और एन एक कांस्टेंट है, पावर एक कांस्टेंट है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब सवाल बनाने के लिए आपको जो भी सवाल दे पहले उसको आई मानना है, क्या मानना है आई, बिना आई माने अभी आप बनाना शुरू नहीं करिए क्योंकि कुछ ऐसे सवाल है जिसमें अगर आप आई नहीं मानिएगा तो बाद में दिक्कत आएगा, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बात सुन रहे हैं कि जो भी सवाल हो पहले उसको आई मानना, आई इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग जो भी सवाल रहेगा पहले उसको आई मान लेंगे और फिर आई मानने के बाद उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए मानते हैं आई, तो देखिए ये बुक में सवाल था तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कैसे, तो पहले से ही इसको आई मान लेंगे। ध्यान रखिएगा अभी आपको आई क्यों मानते हैं ये क्लियर नहीं कर पाएंगे अभी हम, बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्यों मानना जरूरी है। तो अभी से आप आदत डाल दीजिए आई लिखने का, क्या जाता है तो सवाल है आपका x टू दी पावर सिक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए फॉर्मूला,
एक्स पर पावर एन का, एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो यहां से लिख सकते हैं एक्स पर पावर सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस वन, और आई इज इक्वल टू एक्स पर पावर सेवन बाय सेवन। और जब सवाल बन जाए, फॉर्मूला सेट कर दिए, तो लास्ट में आप अपने मन से एक कांस्टेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि किस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किए थे यहां पता नहीं था, जिस कारण यहां जीरो था। बात समझ में आ गया क्या? इस टाइप का बनेगा सबसे, क्या इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर पाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बस अभी छोटा छोटा प्रैक्टिस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी हम सब में आई खुद से ही लिख दे रहे हैं, किताब में नहीं लिखा तो आपको आई लिखना जरूरी है। मान लीजिए आई इक्वल टू दिया रहा वन बाय एक्स पर पावर सिक्स इंटू डी एक्स, वन बाय एक्स पर पावर सिक्स इंटू डी एक्स। तो अभी हम आपको तुरंत बोले देखिए कि जो फॉर्मूला है वो x पर पावर n के लिए, फॉर्मूला x पर पावर n के लिए, लेकिन यहां देखिए ये 1 बाय x पर पावर n का दिख रहा होगा, तो जब भी ऐसा दिखे बाय में तो आपको पहले इसको ऊपर ले जाना है, फॉर्मूला में सेट करना है। तो देखिए सेट कर रहे हैं कि 1i इज इक्वल टू, ये तब नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, तो आपका देखिए x पर पावर माइनस सिक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो आप देखिए ये फॉर्मूला में सेट हो गया, आई इंटीग्रेशन को लिख रहे हैं, बार बार अभी बोले आई मतलब इसको इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आता है उसको आई मान रहे हैं। आप नहीं मानिएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आई मान लेना है, आई आंसर लाने के लिए, आप ये भी समझ सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला हम सेट हो गया एक्स पर पावर एन वाला, एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आई इज इक्वल टू एक्स पर पावर माइनस फाइव बाय माइनस फाइव, और जब बन जाए तो प्लस सी लिख देना है। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार के डायरेक्ट आपको करना, इतना प्रोसेस नहीं करना, एक्स पर पावर माइनस सिक्स का कितना होगा तो एक्स पर पावर माइनस फाइव बाय माइनस फाइव डायरेक्ट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन दिया करने का, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स पर पावर सेवन बाय टू इंटू डी एक्स। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला में सेट है पहले से ही। अब क्या करना है, फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला लगा देना है। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, देख लीजिए फॉर्मूला में सेट हो रहा है एक्स पर पावर एन वाला, तो क्या होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और आई इज इक्वल टू एक्स पर पावर सेवन बाय टू प्लस वन, तो सेवन बाई एलसीएम लेंगे तो यहाँ टू आ जाएगा, सेवन और टू नाइन, तो एक्स पर पावर नाइन बाई टू डिवाइडेड बाय नाइन बाई टू। उसके बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये नीचे में है, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो टू बाय नाइन एक्स पर पावर नाइन बाय टू, और लास्ट में आपको एक सी लिख देना है कॉन्स्टेंट को, जो सबसे लास्ट में लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। अगला मान लीजिए क्वेश्चन रहा कि क्वेश्चन रह सकता है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पर पावर फाइव इंटू डी एक्स, ऐसा भी तो रह सकता है। तो देख लीजिए ये एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला में सेट नहीं है, तो पहले से आपको उस फॉर्मूला में सेट करना पड़ेगा एक्स पर पावर एन वाला। तो देखिए सेट कर रहे हैं, तो आप रूट का मतलब जानते हैं, रूट का मतलब पावर कितना, जल्दी जल्दी बताइए, रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाय टू। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर फाइव तो पहले से है,
रूट का मतलब आप जानते हैं पावर 1/2, तो बाय 2 लिख दिए। अब देखिए ये फॉर्मूला में सेट हो गया, तो पहले से सेट नहीं था, अब सेट हो गया, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं x पर पावर n वाला फॉर्मूला से। तो कितना, तो x पर पावर 5/2 + 1। तो अब क्या करना आपको, डायरेक्ट करना है 5/2 + 1, तो कितना होता है 7/2 / 7/2, और i इक्वल टू फिर से वही करना है 2/7 × x/7/2 + c लिख देना है। मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx / √x/3 ऐसा भी रह सकता है। तो बार बार हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि वो जो फॉर्मूला लिखा गया 13 पर, उसी में से एक ठो पर मैच करना चाहिए, अगर उसे एक्स्ट्रा हुआ तो आपका सवाल नहीं बनने वाला है। अगर आपका उससे एक्स्ट्रा हुआ तो आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि आप अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि उसी किसी एक 13 फॉर्मूला में सेट करना है, उसी किसी 13 में से किसी एक में सेट करना है। तो फिर से देखिए ये बाय में है, तो बाय का तो फॉर्मूला सीखे नहीं, तो फिर से हम इसको सेट करते हैं पहले फॉर्मूला में। तो देखिए ये बाय में कितना है, तो 3/2, बाय में आपका 3, रूट का मतलब बाय 2 समझ गए, तो बाय में 3/2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा x/-3/2, और dx आप लिख दीजिए। अब बात आता फॉर्मूला हम सेट हो गया, तो आप देख लीजिए लिख सकते हैं x/-3/2 का कितना, तो -3/2 + 1, तो आप देखिएगा जोड़ करके -5/2 आएगा। थोड़ा डायरेक्ट अब करना है, -5/2, और थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना है कि -2 गया ऊपर, 2/5 × x/-5/2 + c। तो हम आशा करते हैं कि इस फॉर्मूला का आप बढ़िया से इस्तेमाल कर लीजिएगा। मान लीजिए अब आपको कुछ और दिया रहा, लिखा रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx कितना होगा, तो देखिए ये आपको फॉर्मूला में सेट दिखेगा कि sec²x तो जानते हैं कितना, tan x, अभी तुरंत फॉर्मूला में लिखे tan x लिख दिए। अब अगर नहीं जानते तो सेट करते किसी एक में, फिलहाल अभी sec² का जानते हैं, तो sec² का वैल्यू आप tan x लिख दीजिएगा, और जब बन जाए तो लास्ट में एक c लिख देना है। तो आप इमेजिन करिए कि इस सब फॉर्मूला कैसे सेट करना है, और अगर आप सेट कर लीजिए तो देखिएगा आपका सब बन जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, हो सकता है कि अब सवाल में सिर्फ एक ठो नहीं रहेगा, अब एक से ज्यादा भी रह सकता है। तो चलिए हम लोग रूल पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए पहला रूल नंबर 1, क्या बोलता है कि यदि दो फंक्शन प्लस और माइनस के साथ रहे, यदि दो फंक्शन जैसे एक साइन एक्स रह सकता है, एक sec²x रह सकता है, या एक साइन एक्स रह सकता है, एक कॉस एक्स रह सकता है, एक x² रह सकता है, एक x³ भी रह सकता है, तो हमको नहीं पता दोनों में से कोई कौन होगा, तो हम एक ठो को u मान लेते हैं, एक ठो को v मानते हैं। तो देख लीजिए रूल क्या है, बोलता है u + v × dx, बोलता है यदि दो फंक्शन जोड़ में रहे तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ u dx
अगर यहाँ प्लस रहे तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स, मतलब इंटीग्रेशन एक साथ रहे तो जोड़ में अलग अलग कर देते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस रहे तो बीच में माइनस कर देते हैं। तो आपको रूल समझ में आ ही गया होगा कैसे यूज करना है। जल्दी जल्दी बताइए, ये रूल समझ में आ गया, रूल नंबर वन। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर सिक्स माइनस साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बाय एक्स पर पावर टू प्लस वन बाय एक्स और पूरे का डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको रूल अप्लाई करना है कि रूल बोला कि जहां अगर इंटीग्रेशन के अंदर प्लस और माइनस वाला फंक्शन के फंक्शन जो है प्लस और माइनस के साथ ऐड रहे उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाद में हम लोग डायरेक्ट भी करना शुरू कर देंगे। तो अभी देखिए रूल बोला कि जोड़ और घटाव में अलग अलग कर देना है, तो लिखें x पर पावर 6 इंटू डी एक्स, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिख दे। आपको दो गो का सिखाया गया, दस गो भी रह सकता है, पंद्रह गो भी रह सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख सकता है, उसमें जितना दिया उतना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे, अब किसको, साइन एक्स को। देखिए ये भी फॉर्मूला में आपका सेट है, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, देखिए प्लस लिख दिए। अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या इंटीग्रेशन में, तो देखिए आप जानते हैं होता है, तो इसको भी लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस है, फिर से देखिए वन बाय है, तो अभी हम आपको सिखाए कि वन बाय का तो होता नहीं है, तो हम इसको एक्स पर पावर माइनस टू सोच सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स पर पावर माइनस टू, दोनों तो बात एक ही है लेकिन इसका हमको आता नहीं है, इसका आता है, फॉर्मूला में सेट हो गया है, प्लस एक्स पर पावर माइनस वन, इसको नहीं लिखते हैं, जब भी वन बाय एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला होता है, तो वन बाय एक्स का लिख दिए डी एक्स बटे एक्स, बात समझ में आ गया। चलिए अब फॉर्मूला में सेट करते हैं, अभी आप बताइए x पर पावर 6 का कितना, तो अभी आपको तुरंत सिखा है कि पावर में एक जोड़ देते हैं, 6 प्लस 1 7 बाय 7 माइनस, अभी सिखा है साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस x लिख होता है, तो लिख दिए, मतलब इस सिंबल का वैल्यू लिख दिए, इसका इस सिंबल का जो वैल्यू होता है sec स्क्वायर x dx का कितना, 10x, तो 10x लिख दिए, माइनस एक्स पर पावर माइनस टू का कितना, तो माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस इसका कितना, तो लॉग मोड एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आई इक्वल टू एक्स पर पावर सेवन बाय सेवन प्लस माइनस और माइनस यहां प्लस हो जाएगा प्लस टेन एक्स, माइनस और माइनस देख लीजिए प्लस हो जाएगा। अब हो सकता है आंसर एक्स पर पावर माइनस वन लिखे या वन बाय एक्स लिखे, जो आपकी मर्जी, एक्स पर पावर माइनस वन प्लस लॉग मॉड एक्स, और लास्ट में क्या कर देना है कि सब में इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें से बहुत सारा सी आ जाएगा, तो बार बार सी नहीं लिखते हैं, लास्ट में ही हम सब मिला करके एक तो कॉन्स्टेंट लिख देते हैं। तो बताइए क्या ये इस टाइप का सवाल आपसे नहीं बनेगा, क्या ये बहुत टफ है, जल्दी जल्दी बताइए क्या इस टाइप का बन जाएगा आपसे सवाल, जल्दी जल्दी बोलिए क्या बना पाएंगे इस टाइप का सवाल।
सब लोग कमेंट करके बताइए, हमको सबका जानना है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग बोल रहे हैं कि बन जाएगा, बहुत आसान भी लग रहा होगा देखिएगा, और आपको रियलाइज होगा कितना आसान है। इसको झूठ मूठ लोग बहुत बड़ा कर लेते कि समझ में नहीं आता, बहुत आसान है, देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको जो सवाल दिया रहा, तो पहले से क्या करना है, आपको आई मान लेना है। हम यहां आपको आई लिख ही दे रहे हैं, बुक में तो आई लिखा नहीं रहेगा, लिखा रहेगा मान लीजिए आपके पास 1/sec x - sec² + 1/x - 1/x² (dx). मान लीजिए ये सवाल आपको दिया गया और बोला इंटीग्रेट करिए, तो जोड़ का नियम क्या बोला कि जो, और घटाव का नियम रूल नंबर 1 जिसको बोले कि जोड़ और घटाव में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। अब फिर से यहां देखिए, ये 1/ आपका sec x है, 1/ क्या है sec x, तो अभी तुरंत बोले कि जब तक फॉर्मूला में सेट ना हो तब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो देखिए 1/sec का तो फॉर्मूला लिखे ही नहीं, तो इसको तुरंत बदलना है। क्या इसको उस 13 फॉर्मूला में बदल सकते हैं? अगर बदल दिए तो बनेगा, नहीं बदले तो नहीं बनेगा। तो देखिए यहां क्या 1/sec x को फॉर्मूला में बदल सकते हैं? तो देखिए 1/sec x को हम लोग cos x लिखते हैं, 1/sec न जानते थे लेकिन cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसलिए तुरंत इसको बदल दिए और dx लिख दिए माइनस। अब यहां जो घटा हो गया फिर से इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का जानते हैं तो जानते हैं फॉर्मूला है, तो sec स्क्वायर x dx, 1/x का जानते हैं तो इसको भी कर दिए प्लस dx/x - 1/x² फिर से बाय का नहीं जानते हैं, तो क्या करना है आपको, बाय का क्या करना है, तो इसको ऊपर चढ़ा लेना है x^-2 dx। अब ये सब आपका फॉर्मूला में देखिए सेट हो गया, तो आपको बेसिकली यही करना है कि सवाल को फॉर्मूला में सेट कर लेना है, और जब फॉर्मूला में सेट हो जाए किसी 13 फॉर्मूला किसी में सेट हो जाए, अब फॉर्मूला का वैल्यू लिख देना है, तो cos x का आपका sin x माइनस sec स्क्वायर का कितना तो जानते हैं tan x, 1/x dx/x कितना तो log mod x लिख दिए, माइनस x^-2 का कितना तो x^-2 + 1 तो x^-1 - 1। अब थोड़ा अरेंज कर देना है, sin x माइनस tan x प्लस log mod x माइनस और माइनस प्लस x^-1 और लास्ट में एक c लिख देना है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला रूल सीखते हैं। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बात को समझिएगा। रूल नंबर टू क्या बोलता है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो, कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, फंक्शन बोलेंगे मतलब वही 13 तो फॉर्मूला, उसे ज्यादा कुछ नहीं, अगर उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, जैसे मान लीजिए k into fx क्या, वही 13 फॉर्मूला बोलता है, उस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए क्या ये रूल आपको नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आ गया
कि फंक्शन में अगर कांस्टेंट गुना रहे तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर टू है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन रहा 3 cos x - 4 by x + 5 sec² x - 9, मान लीजिए ये रहा (dx). मान लीजिए आपका पास ये क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर बताना है। कैसे रूल अप्लाई करेंगे? तो पहला रूल कि जोड़ और घटाव रहे तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, तो चलिए सेपरेट करते हैं। तो यहां लिख दिए 3 cos x (dx) - 4 by x (dx) + 5 sec² x (dx) - 9 dx, इतना लिख दिए। अगला क्या बोला कि अगर कोई कांस्टेंट गुना में रहे तो वो गुना इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता था। देखिए यहाँ 3 बाहर कर दिए, cos x (dx) देखिए फॉर्मूला में भी सेट है। अगर ये सेट नहीं रहता तो इसको पहले सेट कर लेते। माइनस इससे बाहर हो गया 4, तो dx/dx प्लस इससे बाहर किए 5, यहां हो गया sec² x (dx), इससे बाहर किए 9, यहां बच गया dx। चलिए अगला 3। अब अभी तुरंत सिखाए cos x का जो फॉर्मूला होता है आपका sin x - 4 dx/x का वैल्यू कितना, तो log mod x + 5 sec² का फॉर्मूला कितना, tan x - 9। अब ये फॉर्मूला लिखने भूल गए थे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए आप यहां लिखिए साइड में और नोट कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ये आपका x होता है। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ -9x और देख लीजिए यहां तक सेट हो गया, बन गया प्लस c लिख दिए। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब जल्दी जल्दी ले लीजिए ताकि आपसे घर में क्वेश्चन बने, आप सेट कर पाए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी जल्दी बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब देने का कोशिश करिए। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पास चलते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ लिखा रहे x(x²) - 3x + 5 dx, मान लीजिए ऐसा रहा। फिलहाल अभी हम आपको गुना का नियम नहीं सिखाए, बस जोड़ और घटाव वाला नियम (rule number 1) और (rule number 2), धीरे धीरे सारा रूल सीखेंगे। तो बोलता है जब भी ऐसा दिखे तो आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आपका x³ - 3x² + 5
एक्स इंटू डी एक्स। जब भी आसान रहे जो रूल नहीं जानते उसको अप्लाई करना नहीं है, गुना करना अभी पढ़े नहीं है, बाद में सीखेंगे। तो जब भी आसान दिखे तो आपको गुना दिखे तो गुना कर लेना है, भाग दिखे तो भाग कर लेना है पहले से, और सिंप्लीफाई करना है। अब फॉर्मूला लगाना है और रूल भी लगाना है, तो जानते हैं सेपरेट हो जाता है, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब आप समझ ही गए होंगे कि इससे थ्री निकलने वाला है, पहले ही निकाल दे, क्यों एक स्टेप बढ़ाए। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इससे आपका देखिए फाइव निकलने वाला है, पहले से ही निकाल लिए, एक्स इंटू डी एक्स बच गया। अब आई इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है, एक्स क्यूब का कितना था, एक्स पर पावर फोर बाय फोर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर का कितना था, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस फाइव, एक्स का कितना, एक्स पर पावर देखिए ये वन है तो वन का वन जोड़ेंगे तो टू बाय टू, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स पर पावर फोर बाय फोर माइनस कट जाएगा एक्स क्यूब प्लस फाइव बाय टू एक्स स्क्वायर, और लास्ट में अपने से एक तो सी लिख देना है। तो इस प्रकार से देखिए आप मल्टीप्लाई वाला भी रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर से फॉर्मूला में सेट कर लेंगे, और रूल वन और रूल टू जहां लागू हो लगा लेंगे और बन जाएगा फिर से। तो ये भी आपसे हम मान लेते हैं, आपसे इस प्रकार का भी बन जाएगा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का भी पहले कर लेना है, क्यूब रहा तो क्यूब कर लेना है। मतलब आपको यहाँ यही समझना है कि कुछ भी रहे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद सोचना क्या ये फॉर्मूला हम सेट हो रहा है, अगर सेट हो गया तो बनाना शुरू कर देना, नहीं सेट हो रहा तो पहले सेट कर लेना है उसके बाद बनाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन रहा, I is equal to x पर पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 5 बटे x रहा और dx रहा। तो अभी हम आपको बोले कि अभी तक आप जोड़ और घटाव का नियम जानते हैं, भाग और गुणा तो जानते ही नहीं है, तो फिर से वही काम करना है कि पहले आपको डिवाइड कर लेना है। कैसे डिवाइड करेंगे, x पर पावर 6 में x से डिवाइड करेंगे, देखिए x पर पावर 5 बचेगा प्लस 3 बचेगा, इसमें x स्क्वायर आ रहा है, x कट के x हो जाएगा माइनस इसका x इसका कटेगा 9 प्लस इसमें 5 बाय x। देखिए पहले डिवाइड वाला नहीं आता था लेकिन अगर हम डिवाइड कर दिए तो आपको दिख रहा होगा कि सब तो फॉर्मूला में सेट हो गया। तो I बराबर x पर पावर 5 का x पर पावर 6 बाय 6 प्लस 3 x का x पर पावर 1 को 2 x स्क्वायर बाय 2 लिखे माइनस 9, और 9 आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट यहां कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो प्रोसेस वाइज रूल लगा करके भी बना सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट कर दे कि इसका तो जानबे करते, 3 से बाहर आ गया x पर पावर 1 x पर पावर 2 बाय 2 माइनस इसे 9 बाहर आएगा, सिर्फ dx बचेगा, dx का x हो गया प्लस 5 इसे बाहर आएगा 1 बाय x बचेगा, तो 1 बाय x का log mod x प्लस c। तो आप चाहे जब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम अब आशा करते हैं कि आप लोग को इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो आप एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी कि क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा आप घर में, सब लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए क्या आपसे इंटीग्रेशन का सवाल अब बनना शुरू हो जाएगा।
आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है। आप अगर जवाब नहीं देंगे तो हमको समझ में आएगा कि आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आप जवाब दीजिए। अनमोल जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। और लोग बताइए क्या बना पाएंगे आप, आपसे बनेगा क्वेश्चन? चलिए हाँ, फिर से लास्ट में एक बात बोल देते हैं कि फिलहाल अभी हम आपका क्लास जो है अल्टरनेट नहीं लेकर के 3 ही दिन लेंगे, कोशिश करेंगे 4 भी दिन लेने का, लेकिन अभी फिलहाल 3 डेज ही चलेगा, जिसमें आपका गुरुवार, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लगातार 3 दिन आपका क्लास हम कोशिश करेंगे लेने का। हो सकता है संडे भी ले ले, लेकिन कहीं हमको जाना होता है जिस कारण से हम यहाँ रह नहीं पाते हैं, तो आपका अल्टरनेट क्लास हो नहीं पाएगा, आपका क्लास रेगुलर होगा। और ये क्लास आपका 3 बजे से 4 बजे तक चलेगा। बात समझ में आ गया? तो आपसे हम कल फिर मिलते हैं इसी टाइम मतलब 3 बजे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और आप बढ़िया से क्वेश्चन को बना करके आए, अटेम्प्ट करके आए, फिर हम लोग इंटीग्रेशन के साथ मिलते हैं। चलिए धन्यवाद फिर से।